Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6 प्लस और इस फोन में आप करना चाहते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को, तो कैसे इस फोन में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं, या फिर आपने इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग पहले से चालू कर रखी है, आपको एक दिक्कत देखने को मिलती है जो कि रहता है गूगल की तरफ से एक अनाउंसमेंट। जो अनाउंसमेंट आपको आता है उस अनाउंसमेंट को आप बंद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं साइलेंट तरीके से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में आप उस साइलेंट को बंद कर सकते हैं और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी बहुत आसानी से चालू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम इस फोन में बाईपास कर पाएंगे उस अनाउंसमेंट को और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी चालू कर पाएंगे। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, सिंपली जो कॉल रिकॉर्डिंग आप करेंगे वो इस फोन का ही फीचर होगा। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है TTSLEXX। मैंने ये एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड करके रखा है, सिंपली आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाइए, इस एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड करके रखा है। अब आपको डाउनलोड करने के बाद करना क्या होगा उसके बारे में जान लीजिए। तो आपको जाना होगा फिर सेटिंग में, तो फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए और यहाँ सर्च बार देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब सर्च बार में आपको टाइप करना है टेक्स्ट TEXT। जैसे आप यहाँ टेक्स्ट के लिए लिखेंगे तो आपके सामने देखने को मिलेगा टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, सिंपली इसी पर क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे टॉप पे जो फीचर है उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था उस पर क्लिक करके ओके करना है। अब वापस आ जाना है। जो अनाउंसमेंट की प्रॉब्लम थी अब आपकी वो फिक्स हो जाएगी। कुछ एक और फीचर आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके लिए जो आपका डायलर रहेगा इस पर टैप एंड होल्ड करना है, एफ इन्फो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टोरेज एंड चेज, इस पर क्लिक करके आपको ये जो डाटा रहता है इसका वो क्लियर कर देना है कुछ इस तरह से। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम थी यहाँ पे अनाउंसमेंट की वो फिक्स हो गई है। अब ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे चालू करना होगा चलिए ये भी जानते हैं। तो इस डायलर को ओपन कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक करके जाइए फोन की सेटिंग में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का एक फीचर, जैसे कि देख सकते हो, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस फोन में दो टाइप से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं, एक तो अननोन नंबर की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड, तो ये चालू करना है तो इसके लिए इस ऑप्शन को इनेबल करके यहाँ से क्लिक कर देना है। अब से उन नंबर की सभी की कॉल रिकॉर्ड चालू हो जाएगी जो कि इस फोन में नंबर सेव नहीं होगा। जो नंबर सेव है उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो इसके लिए आपको सेलेक्ट नंबर पर जाना होगा। यहां से इस फीचर को इनेबल करके ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। चूज एक कॉन्टेक्ट पे जाना है, यहां से उन नंबर के लिए सेलेक्ट कीजिए जिसकी भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है। तो एक एक करके नंबर को आप सेट कर सकते हैं, तो जिसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग करना है यहां पर क्लिक कीजिए कुछ इस तरह से, तो आपके नंबर यहां पर ऐड हो जाएंगे, उन सभी की कॉल रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं। जब भी पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।